हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कमली साहू पर। तो ना आज ना मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, मेरा सर दर्द होने लगा था। तो मैं सोची कि चलो अपना सर दर्द मिटाने के लिए ना थोड़ा वॉल पेंटिंग करते हैं। और ना अभी बज गए थे शाम के 7 और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पता नहीं रीज़न क्या था। तो लेकिन ना मैं अभी स्टार्ट कर दी थी वॉल पेंटिंग बनाने के लिए। तो मैंने ना सबसे पहले पेंसिल लिया और एक आउटलाइन बना दिया वॉल पर। और मैं ना खिड़की के सामने जो है ये वॉल पेंटिंग कर रही थी। तो मैंने ना पहले नेट से सर्च किया कि क्या बनाया जाए, फिर मुझे एक मिला तो मैं वो स्टार्ट कर दी बनाना। आउटलाइन देने के बाद फिर मैंने कलर भी मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास बहुत पुरानी कुछ फैब्रिक कलर रखी हुई थी, तो मैंने वो फैब्रिक कलर से ही पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास दो ही कलर थे, एक रेड और एक ब्लैक। तो मैंने दोनों कलर का ही यूज़ करके ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई थी। तो पेंटिंग जैसे ही मैंने बनाना स्टार्ट किया, आउटलाइन दे दिया था और जस्ट एक कोटिंग ही किया था कलर का। फिर मेरे को रात के 9 बज गए थे और मुझे जाना था अपनी दूसरे क्लास के लिए, तो मैं ना उसको छोड़ के आधे अधूरे पे चली गई थी। फिर अपने घर वापस आने के बाद मैं खाना वाना खाने के बाद 11 बजे फिर से इसका कोटिंग एक लेयर और देना स्टार्ट कर दी थी। अब मेरे पास था फैब्रिक कलर, तो फैब्रिक कलर पे मेरे पास एक कोटिंग पे वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ना उस पर 3-4 कोटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो मेरे ख्याल से मेरे को फैब्रिक कलर की वजह से 6-7 कोटिंग देने पड़े पेंटिंग के। फिर उसके बाद मैंने छोटी छोटी पत्तियाँ बनाना स्टार्ट किया, काफ़ी डिफिकल्टी सारी थी मुझे। और ना मेरे पास एक ही पेंट ब्रश थे जो कि बहुत चौड़े वाले थे, तो उससे मेरे को पेंट करने में भी दिक्कत हो रहा था। और मैं जो है प्रोफेशनल पेंटर भी नहीं हूँ, तो मेरे को आते भी नहीं है, तो मैंने जैसे तैसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं जो है रेड कलर के पीछे पड़ गई थी। अब रेड कलर डालना तो था पर वो छोटे छोटे फूल बस थे, तो मैं सोची कि अब कैसे किया जाए। तो मैंने दिमाग लाया कि चलो मैं ईयरबड्स जो होते हैं उससे कलर करती हूँ। तो मेरे ना ईयरबड्स से काफ़ी सुंदर से पेंटिंग बन रहे थे, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजी हो रहा था मुझे बनाने में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और देखो कितना सुंदर दिख रहा था ये गमला फ्रेम। ना मैंने वो हार्ट शेप के फूल बनाए हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं ना ये सारे ईयरबड्स के हेल्प से बनाई हुई थी।